बहुत शुक्रिया बड़ी बड़ी। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ मुमताज सहाफी और दानिश्वर जनाब लईक रजीद साहब से जो तशरीफ लाए और अपना मकाला पेश करें। और सहाफी से ज़्यादा वक्त का बेहतर इस्तेमाल कोई नहीं है। काबिले एहतराम मजलिस सदारत और मौजूद हाजरीन, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वक्त के अंदर यह मकाला ख़त्म हो जाए और आप मेरी एक मदद कीजिएगा कि दो मिनट पहले टोक दीजिएगा। ये तहरीर सैयदुल उलमा की उर्दू शायरी का एक जायज़ा है। पूरा सरमाया तो मुझे नहीं मिल सका, लेकिन सलामत रिजवी साहब के एक मजमून में बाज़ अशार मिले मुझे, एक मरसिए के कुछ बंद, और ख़ुद सैयद उलमा का जो सफ़रनामा इराक़ है वो हकायक लखनऊ में छपा था, तो उसमें बाज अशार मिले मुझे, एक नज़्म और कुछ, तो उन्हीं पर है ये। सैयद उलमा नाबग़ रोज़गार थे, कुदरत ने उन्हें कुछ ऐसी तबीयत और सलाहियतें बख्शी थीं कि उनका हर नक्श इनफरादी खूबियों का हामिल बन गया। उन्हें तकरीर पर भी अबूर हासिल था और तहरीर पर भी, नज़्म पर और नस पर भी। उन्होंने जो कहा वो जिधर से भी गुजरे इल्म हुनर के रोशन सितारों की एक कहकशां सजाते चले गए। अरबी शायर के तौर पर तो सैयदुल उलमा की पहचान मुसल्लम है, लेकिन ये कम लोग जानते हैं कि उन्होंने उर्दू में भी तबाह आजमाई की है। उनका बेशतर कलाम तो अब नज़रों से ओझल है, लेकिन जो अशार भी हम तक पहुँचे हैं वो उनकी खलाकाना सलाहियत और जिद्दत तबाह के ज़िंदा गवाह हैं। इनमें अकीदत का नूर भी है और अदबियत का शऊर भी। सैयदुल उलमा ने एक ऐसे घराने में आँख खोली जो कई सौ बरस से इल्म व आगही का उजाला फैला रहा है। लिखने पढ़ने का शौक़ उनकी घुट्टी में शामिल था। इब्तदाई दर्स के दौरान ही अदब से भी दिलचस्पी हो गई। तबीयत मौजू और बात कहने का सलीका था, चुनांचे जल्द ही अफकार शेरी कालिब में ढलने लगे। शुरुआत अरबी से हुई और तखल्लुस अख्तियार किया आलिम। साजगार माहौल और बड़े मुफ्ती साहब की रहनुमाई ने तबीयत को रवानी और फन फिक्र को जिला बख्शी। जुदागाना तख्लीकी तेवर और जिद्दत तबा ने इनफरादी डगर उस्तवार की और सैयदुल उलमा ने दामन अदब में भी फिक्र फन के नए गुल बूटे टाँक दिए। इब्तदाई दौर में ही वो जब तब मुश्किल ज़मीनों में फिलबदी अशार कहकर कोहना मश्क असाज़ा को हैरान कर देते, तालिब इल्मी के ज़माने में ही उनकी अरबी शायरी को अदबी एतबार हासिल हो गया था। एक इक्तबास है जो मैं छोड़ रहा हूँ। उर्दू में तबाह आजमाई का सिलसिला भी अरबी की मारफत ही शुरू हुआ। बात अप्रैल 1926 की है। इन्हदाम जन्नतुल बकी से तमाम आलम शीयत में ज़बरदस्त गम गुस्सा था। इस मौके पर सैयदुल उलमा ने अरबी में एक नोहा कहा और फिर उसे शेर ब शेर उर्दू में ढाल दिया। उर्दू शायरी में ये उनका गालिबन नक्श अव्वल था। इससे कबल उनकी उर्दू शायरी के दाखिली शवाहिद नहीं मिलते। बहरहाल वक्त के साथ ज़ौक़ और फ़न को जिला मिलती गई और सैयदुल उलमा ने न सिर्फ अपने बल्कि बाज़ अरबी शाहकारों का मंजूर उर्दू तर्जुमा भी फरमाया। तर्जुमा कोई नई बात नहीं, लेकिन उन्होंने तर्जुमा कोई नई बात नहीं लेकिन उन्होंने न बहर बदली न रदीफ़ व काफिया, और यह अहतमाम भी रखा कि हर शेर का तर्जुमा एक ही शेर में हो जाए। एक इक्तबास है जो उन्होंने शरह हाल उनकी है उससे लिया है, वो छोड़ रहा हूँ। अफसोस कि सैयदुल उलमा की उर्दू शायरी के ये अवलीन नक्श दस्तियाब नहीं हैं। उनकी उर्दू शायरी के दस्तियाब कदीम तरीन नमूने 1927 के हैं, जब वो इराक़ के सफ़र पर थे। इस दौरान जनाब ने चार अरबी कसायद कहे और फिर उनका शेर ब शेर मंजूम तर्जुमा भी फरमाया। इनमें काजमैन के सिलसिले के कसीदे का मंजूम उर्दू तर्जुमा सफ़रनामा इराक़ में शामिल है। 31 अशार का यह कसीदा अपनी मिसाल आप है। एक दो शेर पढ़ देता हूँ कि मुहीत मंदर आफाक है जो सर ता सर उसी में होता है, खुशी में होता है हिर फिर के गर्क तारे नज़र। वो दो शहनशह दौरान इमामे कौनो मकां है जिनके हाथ में यकसर निज़ाम हर दो जहां। ये समझो आ गई आँखों में खिंच के रूह तमाम, जू ही दिखाई दिए कुब्बा हाय हर दो इमाम। बाद अशार में छोड़ रहा हूँ।
सैयदुल उलमा की शायरी का रंग मज़हबी है, उनके दस्तियाब कलाम में मासूमीन के में कसायद के अशार हैं, जहां वो फ़न की डोर में अकीदतों के गुल रंग मोती गूंजते नज़र आते हैं। एक कसीदे के एक दो शेर और, कि हुई तकमील ईमां आज के दिन ज़ात हैदर से, इमामत को मिला ये बेबहा गौहर मुकद्दर से, वो दूरे आए बल्लिग वो शान हुक्म ताकीदी, हिफाजत का वो वादा फितना अंगेज़ों के भी शर से। एक और कसीदे के शेर हैं जो मैं छोड़ रहा हूँ। सैयदुल उलमा ने रिसाई शायरी भी की है, उनके दस्तियाब कलाम में मरसिए के चंद बंद भी शामिल हैं। ये वो ज़माना है जब मरसिए में मुख्तलिफ तजर्बे हो रहे थे, जदीद शोरा मरसिए को इनकलाबी आहंग देने की कोशिश कर रहे थे, तो बाज़ रवायती मरसिया गो भी साकी नामे की कलमें बांध रहे थे। लेकिन सैयदुल उलमा ने इन दोनों से अलग मरसिए गोई की रवायती राह अपनाई। हम सब जानते हैं कि सैयदुल उलमा मीर अनीस के शायर की शायराना सलाहियतों के मोतरिफ और उनके रंग सुखन के कायल थे, इसकी छाप उनके मरसिए में भी नज़र आती है। एक बंद है कि अलगरज मिल गई एक रात की मोहलत शह को, शब तारीख बनी सुबह शहादत शह को, थी जो मरगूब बहुत हक की इताअत शह को, कहकशां बन गई मेहराब इबादत शह को, चांदनी बन के मसल्ला जो ज़मीं पर फैली, हो गए महव इबादत में हुसैन इब्ने अली। तारीख गवाह है कि ये रात जनाब हुर के लिए आजमाइशों की रात थी, एहसास ख़ता उन्हें बेचैन किए हुए था। सैयदुल उलमा ने उनकी ज़हनी कश्मकश को बड़ी खूबसूरती से उभारा है। अपने खेमे में है बेदार हुरे खुश अंजाम, खौफ महशर से है लर्ज़ा सिफते बेदंदाम, दिल में कहता है कि क्यों राह में पकड़ी थी लजाम, क्यों न जाने दिया जिस समत को जाते थे इमाम, क्या खबर थी कि जफा सिफत नबी पर होगी, बदले दावत के यहाँ दावत खंजर होगी, दम बदम करता है अफलाक की जानिब नज़र, दिल में कहता है कि ताहश नाब होगी सहर, बेड़ियाँ तारों को पहनाए है जुल्मत का भंवर, क्या इसी रात से वाबस्ता है सुबह महशर, किसको दर्द दिल मुस्तर की खबर होती है, रंगे रुख उड़ के ये कहता है सहर होती है। सैयदुल उलमा ने मरसिए के साथ साथ सलाम व नोहे भी कहे हैं, लेकिन इनका बेशतर हिस्सा भी दस्तियाब नहीं है। जो अशार हम तक पहुँचे हैं वो उनकी जिद्दत तबा के बोलते हुए गवाह हैं। एक शेर, कि जब निकाली सीने अकबर से सरवर ने सिना, नेज़े जितने फौज में थे सब के सब थर्रा गए। सैयदुल उलमा के दस्तियाब कलाम में एक नज़्म भी मिलती है। अप्रैल 1927 में इराक के बहरी सफ़र में सैयदुल उलमा ने समंदर के कई रंग रूप को करीब से देखा था। बहर हिंद में इसी सफ़र के दौरान जब पानी के सिवा कहीं कुछ और नज़र नहीं आ रहा था, सैयदुल उलमा की निगाह दूर रस ने बहर मानी से गौहर नायाब ढूंढ निकाले। तखैल को लफ्ज़ों का सहारा मिला और अशार की एक गंगा बह निकली, लहर दर लहर फिक्र व फन के मीठे धारे। 25 अशार पे मुश्तमिल ये नज़्म मसनवी की साख में है और उन्वान है समंदर का हौलनाक मंजर। कुलज़ुम हिंद उफ़ खुदा की पनाह, हद नहीं जिसकी गैर हद निगाह, आप ही आप है चहार तरफ, बीच में है जहाज सर बर कफ, नीलगू आप भय रवा देखो, आसमां जेरे आसमां देखो, दिल सहमता है जोश ऐसा है, सूर समझो खरोश ऐसा है, पानी हर सू है ता हदूद नज़र, जिसमें मख्फी हैं हस्तो बूद नज़र, फिक्र साहिल में कुछ अगर उलझे, अपने तारों में खुद नज़र उलझे। सैयदुल उलमा ने अपनी इस नज़्म में मंजर निगारी के खूबसूरत गुलबुटे सजाए हैं। सतह आप पर चांद सितारों का जो अक्स पड़ रहा था उससे उन्होंने खूबसूरत पैकर तराशे हैं। अशार मैंने कोट किए थे, मैं छोड़ रहा हूँ। सैयदुल उलमा ने मंजर निगारी पर मलका हासिल था। उन्हें जब भी मौका मिला वो लफ्ज़ों की ऐसी मुतहर्रिक तस्वीरें बनाते चले गए कि सारा मंजर निगाहों के सामने घूम जाता है। उनका कमाल नज़्म में भी नज़र आता है और कसायद और मरसिए में भी। मैंने जो मरसिया मैंने पेश किया था उसी के कुछ बंद पेश किए हैं, कि इमाम मज़लूम ने इबादत के लिए एक शब की मोहलत ली है। करबोबला के अंधियारे बंद में एक गोशा इबादतों के नूर से मुनव्वर हो उठा है। अब देखिए कि सैयदुल उलमा ने कैसे हसीन शेरी पैकर तराशे हैं।
थी जो मरकूब बहुत हक की इताद शह को, कहकशां बन गई मेहराब इबादत शह को, चांदनी बन के मसल्ला जो ज़मीं पर फैली हो गए महफ इबादत में हुसैन इब्ने अली। कोई राके कोई साजिद कोई मशगूल क़याम, कोई माहे शबे अव्वल तो कोई बद्र तमाम, रिंद उस मै का कोई जिसका जवानी भी है नाम, कोई खम गश्ता कमर होने पे है हम शक्ल हुसाम, दी है बालों की सफ़ेदी ने खबर पीरी की, है शबे गम में नमूदार सहर पीरी की। मैं अशार छोड़ रहा हूँ। सैयद उलमा आलिम दीन ही नहीं हाकिम शरा भी थे, उनके दीनी मकासद थे और ज़िम्मेदारियाँ भी, चुनांचे उन्होंने अपनी शायरी में भी इन्हें हमेशा पेश नज़र रखा। सैयद उलमा का ये दुआया शेर उनके मकसद उनके इस मुकद्दस जज्बे की गवाही देता है। अता हो मुझको एक ऐसा कलम में कैसी ज़बाँ कि लूँ मैं नुसरत मज़हब में कारे तेगो सिना। उनके अशार में जा बजा इस्लाही और तबलीगी पैगाम नज़र आते हैं, कहीं बिलवास्ता तो कहीं बराह रास्त। कुछ ना आया माले दुनिया काम अशकों से के सिवा, एक रिश्ते में यही मोती पिरोया कीजिए, होगी इबरत देख कर असहाब रफ्ता के कबूर, दो घड़ी गोरे गरीबा का तमाशा कीजिए। मैं आखिरी पैरे पे आ रहा हूँ। तो सैयद उलमा ने जिस दौर में शायरी कर रहे थे, उस ज़माने में आज़ादारी मुखालिफ ताकतें सर उठाए हुए थीं। इकबाल सुहेल साहब के शेर रोएं वो जो कातिल हैं ममाते शहदा के हवाले से मजलिसो मातम के जवाब पर सवाल उठाए जा रहे थे। एक मरतबे आज़मगढ़ की एक मजलिस में उन्होंने फिलबदी शेर कह के उसका जवाब दिया था कि क्या रोगे उनको जो हलाके अबदी हैं, क्या रोगे उनको जो हलाके अबदी हैं, क्यों जिंदे जावेद का मातम नहीं करते। सैयद उलमा का शेरी उफक उनकी शख्सियत की तरह बेकरां और हमागीर है। इसमें न ख्याल के धुंधलके हैं न जज्बे की शिद्दत, ख्याल का एक फितरी बहाव है जो लहर दर लहर पोशीदा फिक्र मानी के मोती लुटा रहा है। मजमू तौर पर देखें तो सादगी सैयद उलमा की शायरी की जान है और पहचान भी। उन्होंने सन्नई की शऊरी कोशिशें नहीं की, लेकिन बरजस्तगी और पुरकारी ने उनके शार में बला का हुस्न और कशिश भर दी है। लेकिन अफसोस कि सैयद उलमा का बेशतर उर्दू कलाम वक्त की गर्द में कहीं खो गया है। ज़रूरत है उनकी तलाश तदवीन और अदबी कदर व कीमत के ईमानदाराना तायुन की। उर्दू तहकीक और तनकीद के नाखन पर सैयद उलमा का कर्ज बहरहाल बाकी है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जनाब डॉक्टर मोहम्मद आसिम खान साहब जो तशरीफ लाए और अपने मकान पेश किए। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकाले का उनवान है अल्लामा अली नकवी नकवी 20वीं सदी के मुमताज़ आलिम दीन। हिंदुस्तान के मशहूर उलमा में एक अबकरी नाम मौलाना सैयद उलमा सैयद अली नकवी साहब नकवी का भी है। आप उलमा की ऐसी जमात में हैं जिनका विकार और उनकी बालिग़ नज़र का मोतरफ इल्म तबके का हर शख्स रहा है। बज़ाहिर आपका ताल्लुक़ उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ से था, लेकिन सच यह है कि उत्तर प्रदेश की सरहदों से बाहर बैरून मुल्क पूरे मुल्क बल्कि बैरून मुल्क में भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं थे। उनसे मुतालिक ख़ास बात यह है कि मौलाना अली नकवी जहाँ खिताबत के फ़न से वाकिफ़ थे, वहीं वह कलम के शहसवार भी थे। चुनांचे ये बात उनसे मुतालिक फ़ख्र से कही जा सकती है कि मौलाना जहाँ तकरीर के माहिरीन में से थे, वहीं वो तहरीर के बादशाह भी थे। चुनांचे उनकी दर्जनों से तसानीफ़ उनकी हयात में ही मंजर आम पर आ चुकी थी, और न जाने कितना मजामीन ऐसे भी हैं जिन तक हमारी रसाई नहीं हो सकी। काश हम उनसे वाकिफ़ होते। ज़ेल में उनकी शख्सियत के बाद अहम गोशों को हवाले नाज़रीन किया जाता है। मौलाना अली नकवी नकवी साहब लखनऊ यूनिवर्सिटी के असातज़ा में थे, लेकिन अय्याम आज़ा में 20 सफ़र को तकरीबन हर साल अलीगढ़ तशरीफ़ लाते और रसूल खुदा के नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की शहादत के सिलसिले में चहलुम के मजलिस से खिताब किया करते थे। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी ने एहसास किया कि ऐसे जय्यद आलिम को यूनिवर्सिटी से वाबस्ता होना चाहिए, लेकिन मौलाना का ज़ाती मकान और कुतुब खाना लखनऊ में अब्दुल अजीज़ रोड पर था। फिर लखनऊ की तहजीब और वहाँ की माशरत, इसके सिवा उनका हल्का अहबाब जो उलमाए मुफक्किरीन पर मुश्तमिल था, भला कैसे मुमकिन था कि वैसे इल्मी फ़ा को छोड़कर अलीगढ़ आ जाते। लेकिन अलीगढ़ के अकाबिर ने तय किया कि मौलाना को यहाँ बुलाना चाहिए। चुनाचे कर्नल सैयद बशीर हुसैन जैदी साहब ने इरादा किया और मौलाना को लखनऊ से अलीगढ़ रहायश पर आमद करने पर जोर दिया। इस सिलसिले में एक सच्ची बात यह भी है कि औरों के सिवा डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब भी सच्ची ख्वाहिश और सही थी कि
کہ مولانا علی نقوی صاحب علی گڑھ تشریف لے آئیں اور یونیورسٹی کو اعزاز بخشیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور مولانا علی گڑھ تشریف لے آئے اور شعبہ دینیات سے وابستہ ہو گئے۔ مولانا نے قیام یونیورسٹی میں یہ الزام رکھا کہ ایام اعظم وہ علی گڑھ کے باہر تشریف لے جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اب جب یونیورسٹی کے ملازم ہیں تو قطعی طور پر اس اصول کو برتنا چاہیے جو اس درسگاہ کا ہے۔ سید العلماء مولانا علی نقی النقوی صاحب کی ابتدائی تعلیم تو لکھنؤ کے مدارس میں ہوئی، لیکن آپ نے نجب اشرف جا کر تحصیل علم میں مشغول ہونا طے کیا۔ نجب اشرف میں مدت قیام کے دوران وہاں کے سب سے ممتاز عالم دین اور مرجع خلائق استاد خوئی کے معتقد خاص ہو گئے۔ عالم زمانہ استاد مربی خوئی نے ایک قدیم مسلک بعض نتینی سے متعلق علی نقی صاحب کو تحقیق کر کے ایک رسالہ مرتب کرنے کا مشورہ دیا۔ مولانا نے سال کے اندر اس موضوع پر رسالہ مرتب کر دیا اور اپنے استاد کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جب یہ رسالہ جناب خوئی کے ہاتھوں میں آیا تو انہوں نے حیرت ظاہر کی کہ ایک ہندی طالب نے کتنے اچھے انداز میں عربی زبان میں غیر ہندی مسلک کے متعلق تحقیقات کی اور رسالہ مرتب کیا۔ یہاں تک کہ یہ رسالہ علماء عراق کے سامنے پیش کیا گیا اور سب نے اسے پسندیدگی کی نظر سے دیکھا۔ اس سے مولانا کی علمی صلاحیت، تحقیقی نظر اور ان کی اعلیٰ صلاحیت کی آگاہی ہوتی ہے۔ مولانا علی نقی صاحب ایسے خوش بیاں مقرر تھے جن کی مثال ان کے دور میں بلکہ آج بھی پیش کرنا ممکن نہیں ہے۔ مولانا جب ممبر پر جاتے تو مجمع ان کی خطابت سے اس حد تک متاثر ہوتا کہ شاید ہی کسی اور کے بیان سے متاثر ہوتا ہو۔ علی گڑھ کے معزز افراد کا بیان صادق ہے کہ مولانا جب عوام سے خطاب کیا کرتے پھر وہ اختلافی مضامین یا بات کا ذکر نہ کر کے سماجی، اخلاقی، مذہبی اور معاشی حالات کو مد نظر رکھ کر بیان کیا کرتے تھے۔ مشہور بات ہے کہ حکیم عبداللطیف صاحب پرنسپل طبیہ کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ ہر سال طبیہ کالج کی لائبریری ہال میں ایک مجلس کا نظم کیا کرتے تھے، جس میں یونیورسٹی کے معزز اساتذہ اور شیخ الجامعہ شرکت کرنا فخر کی بات سمجھتے تھے۔ اہل علم کا بیان ہے کہ ایک مجلس میں سید علماء نے معاشیات کے موضوع پر تقریر کی، اس میں ماہر معاشیات ڈاکٹر ذاکر حسین بھی شریک تھے۔ مولانا نے اس تقریر میں انسانی خواہشات اور جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں مخلوق انسانی کا بڑا حصہ ہے، اسی طرح انسانی خواہشات لامتناہی ہوتی ہیں جن سے ہم اور آپ واقف ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ انسان کا قلب خواہشات کا آماجگاہ ہے۔ انسان کی یہاں جب اولاد ہوتی ہے تو اس کی توقعات بھی ہوتی ہیں، چنانچہ ایک باپ اللہ سے اس کا طلبگار ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو جوان ہوتا دیکھ لے۔ اسی طرح اولاد کی ماں دل سے خواہاں ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کا سہرا دیکھ لے۔ جب ساتھ آ جاتی ہے تو اللہ سے وہ ماں دعا کرتی ہے کہ اتنی زندگی دے دے کہ ہم اس کی اولاد دیکھ لیں۔ گویا انسانی خواہش لمحہ لمحہ آگے بڑھتی رہتی ہے، لیکن ماں باپ یہ نہیں سوچتے کہ اس دعا کے نتیجے میں وہ زندگی کے کس قدر مسائل کو دعوت دے رہے ہیں، پہلے خود کی، اس کے بعد اپنے بچے کی، پھر اولاد اور اولاد کی۔ آرزو مندی کے نتیجے میں زندگی کے کتنے بحران سے دوچار ہوگی اس کا احساس انسان نہیں کرتا۔ مجلس مذکور میں ذاکر صاحب جیسے معاشیات کے ماہر موجود تھے۔ لوگوں کا بیان ہے کہ سید علماء کی اس تقریر سے ذاکر صاحب اپنی نشست سے بار بار اٹھ کر داد دے رہے تھے اور لطف بیان سے متاثر ہو رہے تھے۔ جن لوگوں نے مولانا کی مجلس میں شرکت کی ہے وہ واقف ہیں کہ مولانا کی بیان میں تکرار نہیں ہوتی تھی، لہجہ نرم اور الفاظ آسان سے آسان تر استعمال کیے جاتے تھے۔ مولانا کا نظریہ حیات یہ تھا کہ مسلمانوں میں تفریق کے بجائے اتحاد قومی بدرج عدم ہو، اس لیے کہ مولانا کہتے تھے کہ ملت کو متحد ہو کر ہی جینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک رسول اور ان کے اولاد سے وابستہ کر کے یہ توفیق دی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہر بندے سے محبت، شفقت اور رفتاری برتیں، نہ کہ اختلاف کر کے اپنے کو رسوا کریں۔ اہل علی گڑھ کا بیان ہے کہ مولانا کے ہر مجلس میں یونیورسٹی کے ہر طبقے خیال کے لوگ شرکت کرنا لازم خیال کرتے تھے۔ چنانچہ سیرت النبی کے جلسے میں جلسہ گاہ میں دل دھرنے کو جگہ نہیں رہتی تھی اور لوگ مقرر کے الفاظ، انداز بیان اور اس کی خطابت سے اس قدر محظوظ ہوتے تھے کہ وہ بس خدا کے بندے اور رسول کی اطاعت گزار ہو کر رہنا مقصود اصلی تصور کرتے تھے۔ یہ تحریر مولانا کی زندگی میں مکمل تعبیر نہیں پیش کرتی، اس لیے کہ وہ اپنی آفاقی صلاحیت سے بھی کہیں زیادہ شخصیت کے مالک تھے۔ سید العلماء فارسی اور جدید عربی زبان کے علاوہ عبرانی زبان سے بھی کما حقہ واقف تھے، اردو زبان تو ان کی مادری زبان تھی۔ اخلاقیات اور قواعد زبان کے سلسلے میں اس واقعے کے بعد اب لکھنا یا بیان کرنا بےسود بات ہوگی، مگر واقعہ یہ ہے کہ جب مولانا کا تعلق ملازمت کے سلسلے میں قریب الختم ہونے کو آیا تو انہوں نے پروفیسر مہدی حسن صاحب کے ذریعے ایک خط وائس چانسلر پروفیسر عبدالعلیم صاحب کو بھیجا کہ میری ملازمت 30 اپریل کو تمام ہو رہی ہے، مگر میرے بیٹے سید علی محمد کے ایم اے کا امتحان 30 مئی کو تمام ہوگا، اس لیے اس مدت تک قیام مقام کی اجازت دی جائے، ورنہ ایک ہفتے کے اندر مکان خالی کر دوں گا۔ وائس چانسلر نے مولانا کی اس تحریر پر اپنے عملے کے ایک معتبر اسٹاف کو حکم دیا
कि मौलाना से मिलकर मेरा सलाम कहिए और यह अर्ज़ कर दीजिए कि जब तक मुनासिब ख्याल करें क़याम फरमा सकते हैं। इसी के साथ स्टेट ऑफिसर को तहरीर हिदायत दी कि मौलाना के मकाम क़याम की कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं है। जिस अफसर को वाइस चांसलर ने यह हुक्म दिया कि वो मौलाना तक हमारा पैगाम पहुँचा दें, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि यूनिवर्सिटी के कायदे के मुताबिक आप 4 माह तक इस मकाम में क़याम कर सकते हैं। मौलाना ने खामोश तबस्सुम से जवाब दिया, हाँ लेकिन मेरी नमाज होती। इस दीनी जवाब का कोई जवाब है? इस तरह के बहुत से वाकयात हैं जिन लोगों के जो लोगों के इल्म में हैं, मगर असल बात यह है कि हमारी बिसात इतनी नहीं कि सीरी उलमा जैसे फ़कीह और आलिम दीन पर कलम उठा सकें या उनकी उनके इल्म दानाई और फरासत तदब्बुर का इहाता कर सकें, और ना ही वो अल्फाज खाने जहन में आ सकेंगे जो उनको हम सफ़े करतास पर मुंतकिल कर सकें। सबसे आखिर में मौलाना के इस मजमून का इक्तबास मुलाहजा करें। सईदुलमा का एक मजमून अब से बहुत पहले अगस्त 1988 में रिसाला अन्नजात अलीगढ़ में हुसैनी अकदाम के पहला कदम शाई हुआ था। यह सही है कि अबू सुफियान के बेटे अमीर शाह माविया रज़ी अल्लाह तआला के इंतकाल के बाद उनके बेटे यजीद का हुक्मनामा मदीने के गवर्नर वलीद के पास आया तो उसने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की तलब किया। इस सिलसिले में मौलाना की तहरीर मुलाहजा हो। वलीद और मरवान की बाहमी निज़ा का इजमाली तज़किरा दिन्नौरी और तबरी ने किया है, मगर तबरी ने इस निज़ा का इब्तदाई सबब भी बयान कर दिया है जो बिल्कुल करीना क़यास है। इस निज़ा के बावजूद वलीद का मरवान को मशवरे के लिए बुलाना इंतहाई इस्तराबी का नतीजा हो सकता है, और इससे जाहिर है कि यजीद का ख़त वलीद के लिए बड़ी परेशानी का बाइस बन गया था, और बिलखसूस इन अफराद से बेहद का मुतालबा जिनके नाम उस ख़त में दर्ज थे, और फिर सिलसिले में जो कुछ उसे हिदायत की गई वो उसे अपनी ताकत से बाहर की चीज़ समझ रहा था। जब भी उसे इतनी तशवीश लाहिक हुई और उसकी समझ में कुछ ना आया सिवा इसके कि मरवान से मशवरा ले, इसलिए कि मरवान काफ़ी जहादीदा आदमी है, और इसलिए भी कि जो कुछ मैं तर्ज मल अख्तियार करूँगा और उसका जो नतीजा होगा उसकी ज़िम्मेदारी भी मरवान पर शरीक हो जाएगी, क्योंकि ये मेरा बदख्वाह तो है ही, कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरी नस्बत हुक्म दवा के इस्तामिल हुक्म में कोताही का कोई इल्ज़ाम आयद कर सके। और चूँकि अजीज खुद एक अखा जोशीला और बेखुद सरमस्त शख्स था, लिहाजा वलीद को शायद ये तवक्को भी हो कि मरवान अपनी तजुर्बेकारी की बदौलत किसी ऐसे इकदाम को मशवरा न देगा जो हालात की पेचीदगी में इजाफा करे और नतीजे में हम भी हुकूमत के लिए मुज़िर साबित हो। इसके साथ मुमकिन है कि साहबी रसूल होने की तखीर में उसे मरवान की नस्बत खुशबानी भी हो कि उसके दिल में इतना खौफ खुदा होगा। आखिरी इकतबास प्रोफेसर रियाजुर रहमान शेरवानी साहब की तहरीर मुलाजा करें। प्रोफेसर रियाजुर रहमान शेरवानी ने अपने रिसाले कॉन्फ्रेंस गज़ीर के सफ़ा 38 पर मौलाना के बारे में तहरीर किया है कि वो बिला शुबा एक जय्यद आलिम थे, उनके कलाम में नुक्ता आफरीनी उनके खुतबात की खसूसियत होती थी। इन सतूर में मौलाना की मुकम्मल शख्सियत का इजहार मुमकिन नहीं था, फिर भी चंद सतूर में जो बात कही जा सकती थी वो हाजिर है। ज़रूरत इस अमर की है कि सईद उलमा के हालात पर इल्मी बहस का सिलसिला जारी रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ाई से कि वो तशरीफ लाएँ, और अब्दुल कलाम काजी साहब के मकाले की तलखीन जो है वो पेश कर दें। मेरे लिए तो गालबन तलखीस पेश करना मुश्किल होगा, लेकिन जो साहब मकाला है उनकी तलखीसी है, 4 सफ़ात पर मुश्तमिल है। मैं कोशिश करूँगा कि वक्त के अंदर मकाला ख़त्म हो जाए। प्रोफेसर अब्दुल कलाम कासमी का मकाला है शोबे उर्दू में साबिक डीन और पद्मश्री और बहुत ही बड़े नाकिब मुमताज़ अदीब। मौजू है मकाले का उर्दू में मरसिया गोई की रवायत और हज़रत सईदुल उलमा की रहलत। मशरक में नज़्म गोई की रवायत जिस कदर कदीम है, करीब करीब उतनी ही कदीम रसाई नज़्म गोई की रवायत भी है। इंसानी जज्बात में खुशी व मसर्रत, हैरत व इस्तेजाब और दूसरी तमाम कैफियात से कहीं ज़्यादा मुकद्दस और दूर रस गम अंदोह और रंजोलम का जज्बा है। शायद यही सबब है कि जज्बात इंसानी पर मबनी मशरकी शायरी ने सबसे ज़्यादा असर भी इसी जज्बे से कबूल किया, और इसी जज्बे से वाबस्तगी के सबब इससे मुतल्लिक मौजूदात और असालिब इज़हार में तनव्वो और रंगारंगी की कैफियत देखने को मिलती है। अरबी शायरा हज़रत खंसा रज़ियल्लाह ताला अन्हा से लेकर उर्दू की रसाई अदब के सातीन तक अव्वल अव्वल शख्सी मरसिया नगारी और बिलाखिर करबलाई मरसियों ने फ़रोग़ पाया।
मगर जिस तरह रसाई शायरी का आगाज शख्सी और मौजूदाती मरसियों से हुआ था, कमोबेश करबलाई मरसिया निगारी के नुक्ता उरूज पर पहुंचने के बाद भी शख्सी मरसिया निगारी के नए रंगों से उर्दू शेर व अदब का वास्ता पड़ा। इसमें कोई शक नहीं कि 20वीं सदी ईस्वी में जोश मलिया आबादी हों, जमील मजहरी हों या फिर नसीम अमरोही और वहीद अख्तर, इन तमाम हजरात ने मरसिया की सिनफ़ सुखन को अपने ज़माने के सियाक व सबाक में हर तरह की मुआसिर मानवियत के साथ हम आहंग करने की कोशिश की। इसी बायस किसी ने जुल्म जोर के खिलाफ इस सिनफ में आला अकदार इंसानी और सिद्क़ो सफ़ा की वकालत की थी, किसी ने खैर व शर की मारका आरा कैफियात की अक्कासी के लिए इस सिनफ को इसकी पूरी ताकत के साथ इस्तेमाल करने की कोशिश की। इसी तरह कभी नुत की सलाहियत, कभी अक्ल व फरासत की बालादस्ती और कभी इल्म व दानिश की अज़मत व मरतबत को आला इंसानी अकदार के तौर पर मरसिया के वसीले को पूरे तासुर के साथ इस्तेमाल किया। इन तमहीदी कलमात के बगैर हज़रत सैयदुल उलमा आयतुल्लाह सैयद अली नक़ी नक़वी मग़फ़ूर की शान में पेश किए जाने वाली शायराना खराजा क़ीदत की कदर क़ीमत का पूरा अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। जदीद मरसिया निगारी में जहाँ एक तरफ करबलाई मरसिया निगारी की मुतय्यन मुसद्दस की हैयत को इसके तमाम इम्कान के साथ रूबामल लाया गया, इसी तरह नज़्म निगारी की मुतनव्वे हैयतों को भी बरूएकार लाने की कोशिश की गई। राकिबुल हरूफ के सामने सरदस्त शख्सी मरसिया निगारी के मुख्तलिफ नौ मौजूदाती और हैयती नमूने बुए गुल और इल्म और उलमा से मौसूम होकर कल्ब व नज़र के तस्कीन के साथ तमव्वुज और तहर्रुक का वसीला बने हुए हैं। यूँ तो बुए गुल में तालिब जैदी, महमूद सरोश, साहिब फाखरी, अकील अल गरवी, रजा जौनपुरी, समर हिल्लोरी, इशरत लखनवी और पैकर जाफरी और शमसुर रहमान फारूकी के वो शख्सी मरसिए शामिल हैं जो हज़रत सैयदुल उलमा की शान में कहे गए हैं, मगर इन सब में वहीद अख्तर का मरसिया कलम आशोर महज एक दर्जन बंद पर मुश्तमिल होने के बावजूद अपनी गुनागुन लफ्जी मानवी खूबियों और महासिन के सबब बहुत मुमताज और मुनफरिद है। जहाँ तक साहिब लखनवी के 133 बंद पर मुश्तमिल कदर तवील मरसिए का सवाल है, तो वह अपने दाखिली और खारजी महासिन बयान और फनकाराना इजहार के बायस अपनी मिसाल आप है। मैं कुछ छोड़ रहा हूँ। इस मरसिए की इब्तदाई चंद बंद पूरी तरह इल्म उलमा के मौजू से ताल्लुक रखते हैं और अंदाज़ा होता है कि पूरे मरसिए को मौजूदाती एतबार से इल्म दानिश और अहले इल्म बसीरत हजरात की तौसीफ़ के लिए वक्फ रखा गया है, और इस सियाक व सबाक में सैयदुल उलमा की शख्सियत के साथ उसवे मुहम्मदी और अहले बैत की रवायत को इल्म और उलमा के कस्ब फैज़ का सरचश्मा करार देने की कोशिश की गई है। मुनासिब ये मालूम होता है कि तमहीद में नज़्म किए गए चंद बंद आपके सामने रहें ताकि इल्म के हवाले से पूरा पस मंज़र आपके पेश नज़र रहे। फिर आज हूँ सरे मिंबर में गो फजल खुदा, मगर है फिर वही मंजिल और इम्तहान मेरा, कि आज है मेरा मौजू इल्म और उलमा, फिर आज बार इलाही यही है तुझसे दुआ, ये मेरे जहल का कश्तोल इल्म से भर दे, मुझे सलीक़ा अर्ज़े हुनर अता कर दे, कबा बश्र की है तकवा तो इसका ताज है इल्म, मुल्क की बज़्म में इंसानियत की लाज है इल्म, मरीज़े जहल का बस एक ही इलाज है इल्म, खुदा पसंद नबी खू अली मिजाज है इल्म, मगर ये शर्त है वह भी के इक्तसाबी हो, नजफ की खाक से चमका हो बूतराबी हो, जहाँ जुल्म में इंसानियत की आस है इल्म, बशर की अजमत व तौतीर की असास है इल्म, कबाए फिक्र हुनर अक्ल का लिबास है इल्म, है ना शनास खुदा जहल हक शनास है इल्म, कभी ये दामन गुल है कभी गुलाब है ये, कभी किताब कभी साहिब किताब है ये। चंद बंद जहाँ एक तरफ शायरी की कुदरत कलाम, जौदत तखय्युल और नफ्स मौजू की तंजीम व तरतीब की गवाही देते हैं, वहीं इस बात का भी अंदाज़ा होता है कि इल्म और दानिशवरों की पूरी तारीख पर मौसूफ़ को कैसी दस्तरस हासिल है। फ़लसफ़ियों में अफलातून और अरस्तू से लेकर जदीद फ़लसफ़ियों तक और इल्म तहक़ीक़ के शनावरों में तबरी, तूसी, आमली और मोहम्मद बिन कासिम नजफ़ी के रवायती व दरायती तसलसल और इख्तराआत की तरफ जगह जगह इशारे भी मिलते हैं और हवालों से भी काम लिया गया है। यूँ तो इंसानियत की तारीख में उलमा को जो फजीला हासिल है उसकी तरफ भी मुख्तलिफ बंद में तवज्जो सर की गई है, मगर चंद टुकड़ों में जहाँ सैयदुल उलमा हज़रत अली नक़ी नक़वी की फजीलत का बराह रास्त जिक्र किया गया है, उनमें बराह रास्त तारीफ़ व तौसीफ़ करने के बजाय इल्म के हवाले से ही उनकी अजमत की शहादत देने की कोशिश की गई है। नमूने के तौर पर महज एक बंद को मुलाहदा किया जा सकता है, वो उनका बंद को तारीख़ व फ़लसफ़े का शोर, हदीस व फ़िक़्ह कलाम व अदब पे उनका अबूर, यहाँ से बढ़ के अरब और अजम में था मशहूर, मगर न इल्म पे गर्रा न अजमतों पे गुरूर, है नाम उनका कि अजमत का एक जरीदा है, जो हर्फ इसम है वो आपका कसीदा है। इन मित्रों से अंदाज़ा होता है कि रसाव कसीदा को कैसे एक ही सिंफ में मुश्तरक तौर पर एक कालब और एक ही हैयत में समेटा जा सकता है। कमोबेश इसी अंदाज का तबारुक हुसैन आज़मी के मुख्तसर मरसिए कोहे इल्म अमल में मिलता है, जिसके चंद मिसरे कुछ इस तरह हैं।
منطق و فلسفہ ہو کہ علم کلام ہو، تفسیر ہو، حدیث ہو، قول امام ہو، شرع محمدی ہو، معاشی نظام ہو، تاریخ ہو کہ سیرت خیر الانام ہو، اس کے روات، اس کی روایات معتبر، وہ معتبر تھا اس کی ہر ایک بات معتبر۔ میں اور چھوڑتا ہوں، جو تو ان کی شان میں نظم کیے گئے مرثیوں میں جو بوئے گل میں شامل ہیں، موضوع حیت کا غیر معمولی تنوع ملتا ہے، مگر فنی اور شاعرانہ رنگا رنگی کے ہجوم میں سید وحید اختر کے مرثیے قلم آشوب کا امتیاز ان تمام مراسی میں نمایاں ہے۔ اس مرثیے میں وحید اختر نے بھی قلم کو علم کی علامت، حق گوئی کی مثال اور تلاش و جستجو کا استعارہ بنا کر پیش کیا ہے۔ پورے مرثیے میں کرتاس، قلم، لفظ و معنی، مکتب، دبستان اور علماء اور دانشوروں کی لفظیات استعمال کی گئی ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پورے مرثیے کی فضا آفرینی میں قلم آشوب کے لفظ کی مناسبت سے قلم کے سارے لوازمات کو ہیتے تحریر میں لانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس ضمن میں علم، شہرت یا بدذوقوں کی تحسین کے بالمقابل احانت و ظلمت کے تضادات کو پہلے دو بند میں ابھارا گیا ہے، اور آخری حصے میں اپنے ممدوح کی صفات حسنہ کو صنعت تضاد کی مدد سے غیر معمولی طور پر نمایاں کر کے دکھایا گیا ہے۔ لیکن وہ جو ہے علم کے گنجینوں سے محروم، ملت کی بھی ہے فکر جنہیں، دین کا بھی ہے غم، نا قدر کی محرومی کا کرتے نہیں ماتم، مقبولیت عالم سے کرتے ہیں سر ارم، رہتے نہیں تحسین جہالت کے بھرم میں، کرتے ہیں بسر خلوت ترداس و قلم میں، شہرت کی حوث کھوتی ہے ہر علم کی وقت، عزت کے لیے دربدری بنتی ہے ذلت، ہے داد کی دریوزہ گری فن کی احانت، بد ذوقوں کی تحسین سے گھٹتی ہے فضیلت، مقبولیت عام میں رسوائی لکھی ہے، تحقیق کے تقدیر میں تنہائی لکھی ہے۔ اس پس منظر میں جب سید العلماء کی توصیف پر مرثیہ کا اختتام ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ تقابل و توازن کی صورت حال میں تمجید و توصیف کا وقار اور بھی زیادہ نمایاں ہو گیا ہے۔ عالم کی ہے رحلت میں زوال ایک جہاں کا، موت اہل قلم کی ہے ضیاء امتیاں کا، صدمے سے ہے ٹھہرا ہوا خود سیل زماں کا، شور اٹھتا ہے صفحات کتب سے بھی فغاں کا، سید علماء کا جو اٹھا بزم قلم سے، ہو قطع نہ پھر علم کا رشتہ کہیں ہم سے۔ آخری پیراگراف تین لائن پہ۔ اس طرح آخری بند میں دعائیہ کلمات پر مرثیہ کے اختتام ہوتا ہے۔ ان معروضات سے پوری طرح اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شیعہ و سنی علماء میں عرصہ دراز سے شاید ہی کوئی اہل علم و فضل ایسا گزرا ہو جس کی وفات حضرت آیات نے اس طرح انگنت فنکاروں اور شاعروں کو علم دانش کے زوال کا احساس شدید دلایا ہو۔ اس طرح علم و فضل، تحقیق و تدقیق اور علمیت و فضلیت کے زوال کا اندازہ حضرت سید علماء پر لکھے گئے انگنت قصائد و مراسی سے بآسانی لگایا جا سکتا ہے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اب میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں پروفیسر سید اطہر رضا بلگرامی صاحب سے، جو جامعہ اسلامیہ کے شعبہ معاشیات سے وابستہ رہے، اس کے صدر شعبہ رہے، تو تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ پروفیسر سید اطہر رضا بلگرامی۔ جناب صدر محترم، میں غلطی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، میں اپنا مقالہ تو پیش کر چکا ہوں، میں نے گزارش کی تھی کہ میرے بڑے بھائی حلالت کے سب جی میں ان کا مقالہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ مختصر سا مقالہ ہے اور امید ہے کہ یہ 10 منٹ کے اندر ختم ہو جائے گا، اور اس کے باوجود میں کوشش کروں گا کہ اس میں سے کچھ پیراگراف جس کا ہدف کر دوں تاکہ وقت کی لحاظ رکھتے ہوئے یہ مقالہ جو ہے پیش کر دیا جائے۔ مقالے کا عنوان ہے جرأت اظہار۔ آزادی خیال کی پہلی شرط جرأت اظہار ہے، جس کی پاداش میں سقراط کو زہر کا پیالہ دیا گیا اور سید العلماء کا گھر جلایا گیا۔ دراصل یہ پیغمبرانہ روایت ہے، ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا، یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا، عیسیٰ کو سولی پر چڑھایا گیا، محمد کے راہ میں کانٹے بچھائے گئے اور قتل کے منصوبے بنائے گئے، علی کو تہ تیغ کیا گیا، زکریہ اور حسین کو شہید کیا گیا۔ یہ سب کے سب جرأت اظہار کے ہیرو ہیں، جن کی سچی و بے لاگ تصویر کشی میں سید العلماء کا
लब व लहजा और अंदाज व आहंग ये बोलता नजर आता है, अक्स बनकर आए तो हम आईना बन जाएंगे। अक्स व आईने के परतों में जुरत इजहार के कुछ मजाहरात जो मेरे तजुर्बे में आए वो हस्ब ज़ैल हैं। मेरे रिसर्च के ज़माने में सप्रो हाउस इंटेलेक्चुअल सेंटर माना जाता था, जहां स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के रिसर्च स्कॉलर्स, असातिज़ा, मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरीज और बैरून मुल्क के सफीरों का हमा वक्त मजमा रहा करता था। आए दिन फंक्शन में नेहरू और कृष्णा मेनन शुरका को खिताब करते आते रहते थे और फिर नीचे लाइब्रेरी में रिसर्च स्कॉलर से आलिमाना गुफ्तगू करते रहते थे। जिस ज़माने में रिसर्च कर रहा था, सप्रो हाउस के कल्चरल विंग ने मिलादुन्नबी के जलसे का एहतमाम किया जिसमें नक्कल साहब चीफ स्पीकर थे। ऐसे मजमे में रवायती अंदाज इख्तियार नहीं किया जा सकता था। मसलन मेराज का जिक्र आया तो ये नहीं कहा जा सकता था कि खुदा ने अपने महबूब को आसमानों के सैर के लिए बुलाया, या ये बहस नहीं छेड़ी जा सकती थी कि आया ये मेराज जिस्मानी थी या रूहानी। मजमे की इल्मी सतह जहन में रखते हुए नक्कन साहब कह रहे थे, खुदा की जानिब से इंसानी जहन को मोड़ देने के लिए इशारे हुआ करते हैं, मेराज भी कुदरत की जानिब से बजरिए रसूल इंसानों को एक इशारा था कि कहीं तुम्हारी निगाहें ज़मीन ही तक महदूद होकर न रह जाएं, आसमानों की तरफ भी देखो और तस्खीर कायनात करो। इंसानों ने इशारा समझा, फिजाए बसीत में परवास किया, हौसला बढ़ा तो सैयारों पर कमंदें डाली। आप कह सकते हैं कि अगर कभी इंसान तस्खीर कायनात में कामयाब हो गया तो फिर इंसान व नबी में फ़र्क ही क्या बाकी रह जाएगा। एक तो फ़र्क सामने का है कि नबी का अमल बेसाख्ता, जबकि इंसान की शौरी कोशिश जिसमें कामयाबी कामयाबी दोनों शामिल हैं और तकमील तस्खीर में वक्त और ज़माने की कैद नहीं है। लेकिन अगर आप इस तूलानी अमल को नज़रअंदाज भी कर जाएं और सिर्फ कामयाबी को वो जब कभी भी हासिल हो सामने रखें, तो फिर मैं कहूँगा कि इंसान तस्खीर कायनात में जहाँ तक भी पहुँचेगा वो आपके रसूल के पैरों का रौंदा हुआ रास्ता ही होगा। लोग हाल की सीढ़ियों से उतरते हुए कह रहे थे कि मजहब में इस तरह का साइंटिफिक एटीट्यूड बहुत कम नजर आता है। इस निज़ामुद्दीन जर्नलिस्ट की बस्ती है जिनकी एसोसिएशंस ने नक्कन साहब को मधु किया और दीन इस्लाम के तकरीर को उन्वान दिया। मैं भी मधु था। नक्कन साहब ने आदम तक खातम एक मुकम्मल तबसरा पेश कर दिया जिसमें वो हर ज़माने के अकदार और इनराफ का तारुफ भी कराते जाते थे। इख्तिताम पर एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट खातून उठ खड़ी हुई और उन्हें सवाल किया कि आपने मोहम्मद के दीन की कोई तस्दीक बाकी ही नहीं रखी जो दरअसल मजहब और इस्लाम के नाम से जाना जाता है। नक्कन साहब ने जवाब दिया कि खुदा का दीन सिर्फ दीन इस्लाम है, मोहम्मद जिसके आखिरी कड़ी थे, उनका दीन कोई अलग अलहदा दीन न था, लेकिन चूंकि वह आखिरी नबी थे इसलिए दीन खुदा यानी इस्लाम की तकमील उनके हाथों हुई। आपको अकदार और इनराफ की शिनाख्त इसलिए कराई गई ताकि आप कजरबी का एहसास करते हुए इस सिलसिले का शऊर पैदा कर लें। अगर ये शऊर पैदा हो गया तो फिर आपको इस सवाल करने की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। खुसरो साहब नक्कन साहब और सामईन के दरमियान मुतरजम थे जिस वक्त उन्होंने खातून जर्नलिस्ट को नक्कन साहब का नफ्स मतलब बताया समझाया तो वो थोड़ी देर तो नक्कन साहब को देखते रहीं, फिर लाजवाब होकर बैठ गईं। कहार खुदा का एक वस्फ है, लेकिन जिसको वस्फ कहा जा रहा है उर्दू में वो मनफी मानों में इस्तेमाल किया जाता है। नक्कन साहब एक मजलिस में उसकी वजाहत करते हुए एक मिसाल दे रहे हैं। आपकी जख्मी उंगली नाकाबिले इलाज हो चुकी है, डॉक्टर जिस्म के दूसरे हिस्सों को महफूज करने के खातिर उस उंगली को अलहदा कर देने का मशवरा देता है। आप बरज़ा और रग़बत डॉक्टर को इजाज़त देते हैं, अमल जर्राही की तकलीफ बर्दाश्त करते हैं, डॉक्टर के इस कहर को रहमत समझ रहे हैं क्योंकि इस उंगली की अलहदगी ही में सेहत व फलाह मुजमिर है।
जब वो इस मिसाज से कहर बतौर वस के तशरीह कर रहे थे, उस वक्त गालिब का एक मिसरा अचानक मेरी समझ में आ गया जो अरसे से समझ नहीं आ रहा था, ना मेहरबान अगर है तो क्या मेहरबान नहीं। दिल्ली के फर्राश खाने के एक घर में नक्कन साहब मजलिस पढ़ रहे हैं, मजमा एक घर में समा नहीं पा रहा है, छलक कर गलियों में आ गया है। इस एक गली में मैं भी खड़ा हुआ था, रात के सन्नाटे में नक्कन साहब की आवाज़ गूंज रही है और तशरीहात गुल खिला रही हैं। तकरीर करते करते एक मुकाम पर अपने मखसूस अंदाज में कहने लगे, काश ये फरिश्ते मेरी जबान समझ सकते, मैं तो उनसे पूछ लेता कि आपके ख्याल में ये इंसान ज़मीन पर फसाद करने वाला था। आप अपने आप को बड़ा अब्न पसंद समझते हैं, फिर ये ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार का नारा कैसा? आपकी अम पसंदी का तगाजा तो ये है कि आप ढाल की तारीफ करें, ये तलवार की तारीफ कब से करने लगे? आबे साहब की सरकर्दगी में इस्लाम एंड मॉडर्न एज रिसाले के सियाक व सबाक व मकासिद पर एक सेमिनार हुआ, जिसमें हिंदुस्तान के इस्लामिक स्टडीज़ के जाने माने असातिज़ा आलमों के अलावा बरतानिया व अमरीका के कंपरेटिव रिलीजन के प्रोफेसर भी शरीक थे। नक्कन साहब भी मुकर्रर थे। सामईन को मुखातिब करते हुए कहा कि इंसान मुल्क ज़ात पात रंग व नस्ल और सिमतों में बट गया है, अगर कुछ उसको आज़ादी ख्याल कहते हैं लेकिन ये नहीं समझते कि एक मुल्क दूसरे मुल्क, एक रंग दूसरे रंग, एक नस्ल दूसरी नस्ल, एक ज़ात दूसरी ज़ात और एक सिमत दूसरी सिमत के मध्य मुकाबले आती है और हरीफ बन जाती है। जिसको आप आज़ादी ख्याल समझ रहे हैं वो दरअसल इंसान की तकसीम काराना ज़हनियत का नतीजा है, जिसकी वजह से इंसान समाज में तजाद और तफरीक का शिकार है। बस इस उसूल के हाकिम महकूम में तकसीम नहीं हो सकता, इसलिए कुरान में भाई भाई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, इसमें कोई तख़सीस नहीं है। जुरत इजहार की चंद मिसालें एक तरफ कहने वाले के जहन रसा का पता देती हैं तो दूसरी तरफ सुनने वालों को नई जहत और नई सोच अता करती हैं। इल्मियत के साथ तकरीर में रवानी, मजहब में क्या के बजाय क्यों की तशरीह पर जोर, अक्ल नजर से सच्ची अकीदत के परवरिश से मजहबी खुद एतमादी और औसाफ, जिन्होंने नक्कन साहब को एक नई फिक्र का स्कूल बना दिया जिसका इतबा आज नई नस्ल के मुफक्किरीन कर रहे हैं और करते नजर आएंगे, मैं भी उसी का तकलीद करने वाला हूँ। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ इंतहाई अदब और एहतराम के साथ प्रोफेसर मौलाना फरमान साहब से इजलास से कि वो तशरीफ लाए। हम सब जानते हैं उनके तारुफ मोताले तारुफ नहीं है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ फैलोजी और डिपार्टमेंट ऑफ फैलोजी से उनकी वाबस्तगी जो है वो उन सब अलीगढ़ वालों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे ये गुजारिश करनी है पद्मश्री प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब से कि वो दो मिनट पहले मुझे मुत्तला कर दें, और मुझे यकीन है कि वो वक्त गुजरने के दो मिनट बाद मुझे मुतवज्जे करेंगे और उसके दो मिनट बाद मैं अपना मकाला ख़त्म कर दूँगा। शाहिद के साथ मशहूर भी होता है। ये मेरे मकाले का उन्वान है तारीख, तारीख नवीसी और तारीख इस्लाम, यानी तारीख की अहमियत, तारीख नवीसी की रविश और सैयदुल उलमा की तारीख इस्लाम। कहानी हो या किस्सा, दास्तान हो या अफसाना, वाकयात का इजहार हो या नावल, सभी जगह सभी अदवार और सभी उम्र के लोगों की दिलचस्पी का बाइस रहे हैं। कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि किस्सा कहानी का मरकज़ी किरदार महूम शख्सियत है या ज़माने के किसी गोशे में इकामत पजीर कोई दूसरी हस्ती। बच्चों को कहानियाँ पसंद हैं, नौजवानों और जवानों को नावल अफसाने, बुज़ुर्गों को माजी के वाक़यात से लगाव होता है। ये मैलानों और रुझान दरहकीकत शौरी या लाशौरी तौर पर माजी की बाजियाफ्त की के लिए तड़प ही के नमूने हैं।
یہ شغف انسان کو مہمیز کرتا ہے کہ وہ گزرے ہوئے زمانے کے نقوش تلاش کرے, ماضی کی قوموں, ملتوں اور امتوں کے اقدامات, اقدار اور اقدام کی جستجو کرے, ان کی کامیابیوں اور ناکامیوں سے سبق حاصل کرے. اسی فطری اور مضبوط جذبے نے علم کے ایک بیشبہ پہلو کو وجود عطا کیا جس کا نام اس کی بنیادی روش کے مد نظر تاریخ رکھا گیا ہے. قرآن مجید نے بھی انبیاء ماسلف, گزری ہوئی اقوام اور ماضی کی داستانوں کو اپنے دامن میں جگہ دی ہے. یوں تو آپ بیتی سوانح عمری سیرت نگاری بھی پس بینی یا پیچھے دیکھنے اور ماضی کو تلاش کرنے اور حفاظت کرنے ہی کا نام ہے, مگر ان میں اور تاریخ میں اہم اور نمایاں فرق یہ ہے کہ آپ بیتی سوانح عمری اور سیرت نگاری میں مرکز نگاہ کوئی ایک وجود ہوتا ہے, جبکہ تاریخ نگاری وقت کی ہوئی بدلتی ہوئی نبض کی کیفیات کے تحفظ کر لینے کا عنوان ہے. تاریخ کا اصل مقصود ایک خاص زمانہ اور خاص افراد ہوتے ہیں. بقول ابن خلدون, خاص وقت کے دوش پر واقعات کے مسلسل سفر کو تاریخ کہا جاتا ہے. یعنی تاریخ کسی زمانے کی یا قوم کی مخصوص خبروں کو کہتے ہیں, لیکن تمام زمانے کے اور تمام اقوام کے عام حالات کو بیان کرنا بھی مورخ کے لیے لازمی اور بمنزل بنیاد کے ہے, جس پر اس کے اغراض و مقاصد کی عمارت چنی جاتی ہے اور اس کے بیان کیے ہوئے واقعات کی مزید وضاحت بھی ہوتی ہے. اسی مشہور فلسفی ابن خلدون کے بقول, تاریخ کی حقیقت یہ ہے کہ وہ انسانی اجتماع اور دنیا کی آبادی کی خبر دیتی ہے, اور ان حالات کی بھی جو اس آبادی کو طبعی طور پر پیش آتے ہیں, جیسے باہمی کشیدگی اور تناؤ, باہمی میل جول, حکومتوں کے مراتب اور درجات, خاندانی حمیت اور غیرت, قسم قسم کے باہمی قہر و تسلط, ان کے نتائج بھی جو ان سے پیدا ہوتے ہیں, جیسے فتوحات ملکیہ, حکومتوں کا ظہور, ان طریقوں کی بھی جو انسان اپنے اعمال و مسائل سے اختیار کرتا ہے, جیسے روزگار کے پیشے, علوم و فنون, صنعت و حرفت, اور ان تمام حالات کی بھی جو دنیا کی آبادی سے طبعی طور پر پیدا ہوتے ہیں. مقدمہ ابن خلدون, اردو ترجمہ, حصہ اول, صفحہ 207. کسی دل جلے نے افسانے, ناول اور تاریخ میں یہ فرق بتایا ہے کہ ناول اور افسانے میں سب کچھ صحیح ہوتا ہے سوائے ناموں کے, اور تاریخ میں سب کچھ جھوٹ ہوتا ہے سوائے ناموں کے. بہرحال تاریخ علم کا وہ پہلو ہے جو تمام اقوام و ملل میں معروف اور مقبول ہے. علم کے اس پہلو کے حصول کے لیے عوام و خواص سبھی حتی الامکان اور حسب توفیق اپنی استعداد کے مطابق اپنے شوق کا اظہار کرتے ہیں. امیر و فقیر سبھی کو اس سے شغف ہوتا ہے. اگرچہ بظاہر تاریخ طالع آزماؤں, جاہ پرستوں, جنگجوؤں کے باہمی تصادمات کی حکایت کرتی ہے, مگر یہ پہلو بھی ناقابل انکار ہے کہ اس کے ذریعے دنیا کا حال معلوم ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ کس کس طرح لوگوں کو نازک ادوار سے گزرنا پڑا, اقوام و ملل پہ کیسے کیسے ادوار و اوقات آئے, حکومتیں کیسے کیسے پھیلی سمٹی, کس کی جاہ طلب نے کیسی کیسی جاہ فشانیوں کے ساتھ اپنی حکومت کی بساط سجائے, اور کچھ کا نقارہ بجتے ہی کس طرح وہ سر کے بل اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ابن خلدون کے بقول, تاریخ ایک معزز, بلند پایا, بہت فائدوں والا اور شریف غرض و غایت والا فن ہے, کیونکہ یہ ہمیں گزشتہ اقوام کے اخلاق و احوال بتاتا ہے, انبیاء کی سیرتوں سے آگاہ کرتا ہے, حکومتوں اور سیاست میں سلاطین کے حالات کی خبر دیتا ہے, تاکہ اگر کچھ کسی دینی یا دنیاوی سلسلے میں ان میں کسی کے نقش قدم پر چلنا چاہے تو اسے پورا پورا فائدہ حاصل ہو. مقدمہ ابن خلدون, دور ترجمہ, مولانا راغب رحمانی دہلوی, حصہ اول, صفحہ 167. کتاب الکرار اور شہید اعظم کے مصنف جناب ریاض بارارسی نے تاریخ کو اس کی اہمیت, ضرورت اور وقت کی بنا پر مادر معلومات کہا ہے. مولانا کرار حسین صاحب مرحوم فرماتے ہیں کہ عصر حاضر نے, جس نے تاریخ کو قصص و حکایت کی چیستان سے الگ کر کے فلسفے کی شکل دی ہے, اس نے تاریخ کی ضرورت اور اہمیت کو اور بھی وقعی بنا دیا ہے, جس کا اندازہ محکمہ آثار قدیمہ سے کیا جا سکتا ہے. ملیکۃ العرب, صفحہ 25. مزید فرماتے ہیں, تاریخ سے سب سے بڑا فائدہ مذہب اور مذہب والوں کو ہوا ہے. تاریخ ہی بتائے گی کہ کون سا مذہب کب اور کہاں اور کن حالات میں پیدا ہوا. مذہبی رہنماؤں کے حالات, ان رہنماؤں کی سیرت و کردار, ان کے مددگار پشتپنوں کے کارنامے, ان کے دشمنوں کی فہرست, مذہبی تعلیمات کو کن کن راہوں سے گزرنا پڑا, کہاں کہاں عرصہ حیات تنگ ہوا,
किस सब ज़मीन पे इसको फलने फूलने के मौाक़े नसीब हुए, ये सारी बातें तारीख से पूछी जा सकती हैं। मलिकतुल अरब सफ़ा 26। ये पहलू भी नज़र में रखना और ज़रूरी है कि तारीख में दर्ज वाक़ात को इंदराज के एतबार से हक़ाइक़ कहा जा सकता है, मगर मौरिख के रुझानात, मैलान और अकायद इन हक़ाइक़ को ख़यालात में तब्दील कर देते हैं। इसी बिना पे मौलाना ज़ीशान हैदर साहब मरहूम को शिकवा करना पड़ा। सुना था कि तारीख मादर मालूमात हुआ करती है, इसके दामन में माजी के जुमला हालात पाए जाते हैं, इसके हाफ़ज़े में हर हरकत महफूज रहती है, इसका ख़जाना किसी वक्त भी खाली नहीं हुआ करता, वाक़ात ज़माना के साथ साथ हक़ाइक़ की भी परवरिश करती है। लेकिन देखा यह कि तारीख एक मादर नामेहरबान के सिवा कुछ नहीं। उमर बनी हाशिम। इस तरह हिट्टी तारीख नवीसी के कमज़ोर पहलू की तरफ मशहूर मौरिख प्रोफेसर इरफान हबीब ने एक इंटरव्यू में इस तरह इशारा किया है, ये एक दुश्वार अमर है कि माजी से मुतालिक जो मालूमात होनी चाहिए वो गुम हैं, क्योंकि माजी के मौरिखीन का गरीब आवाम तबके के लिए एक अलग ही नुक्ते नज़र था और महरूम तबके से मुतालिक मालूमात महफूज नहीं रहीं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में सफ़ा 12 पर 31 मार्च 2014 को इनका इंटरव्यू छाया हुआ है। ये पहलू भी काबिल लिहाज है कि तारीख किसी कौम या ज़माने की मखसूस खबरों कहते हैं और ख़बर में झूठ और सच दोनों का इस्तेमाल होता है, इसलिए तारीख में भी ये दोनों पहलू हो सकते हैं और होते हैं। इसके अलावा गलतियों के जो दीगर असबाब होते हैं उनकी तरफ इबन खलदून ने इस तरह इशारा किया है, ये 7 उसने असबाब बताए हैं। एक तो इख्तलाफ आरा मज़हब, दूसरे वाक़े को नकल करने में मौरिख का किसी पर इतना भरोसा कर लेना कि जरो तादील के उसूलों को बालाए ताक रख दे। नंबर 3, बहुत से रावी ऐसे होते हैं जिनको समझने का शऊर नहीं होता, गुमान की बिना पर रवायत कर देते हैं। 4, वहम सदाकत, यानी वो समझता है कि जो बात सुनी है वो सच्ची है। 5, साहिब इख्तदार लोगों की मदोसारा करना। और नंबर 6, मुआशरे के तभी हालात से नावाकफियत। नंबर 7, अक्सर लोग महाल और नामुमकिन ख़बरों को यकीन करके मान लेते हैं। इसलिए इबन खलदून मशवरा देता है कि एक मौरिख को कवायद सियासत और तबाह मौजूदात की आगाही इतनी ज़रूरी है। आदात व अखलाक में, अकवाल व मज़ाहिब में, शमाइल व सियर में मुख्तलिफ अक़वाम का, मुख्तलिफ मकामात, मुख्तलिफ ज़मानों का ख्याल रखना इंतहाई अहम है। ये भी ज़रूरी है कि मालूमात का कंपेरिज़न मालूमात माजी से किया जाए, इनमें मुशाबहत टटोली जाए कि आया दोनों में इख्तलाफ है या इत्तेफाक, फिर इख्तलाफ व इत्तेफाक के इलल व असबाब मालूम किए जाएँ, ममालिक व मज़ाहिब के उसूल, उनके ज़हूर के मबादी व असबाब, उनके वजूद के मुहर्रकात और उनके अपने अपनाने वालों के हालात व अखबार से भी वाकफियत हो, ताकि हर मौरिख हर ख़बर के असबाब व इलल पर हावी हो जाए, ताकि नकल होने वाली हर ख़बर को अपने पास वाले कवायद पर पेश करके देख लें। अरबों का तारीख से शगफ, इसके सिलसिले में दौरे इसमें ये मैं छोड़ रहा हूँ, ज़ाहिर है कि ये इसके बाद की चीज़ है। इस्लामी तारीख नवीसी की इब्तदा, इस्लामी तहरीक का इनकलाबी आगाज़ और अवाम में इसके नफूज़ व असरात, तारीख आलम का एक गैर मामूली उनवान है। बानी तहरीक और उनके हम कदम चलने वालों की हयात व खिदमात व जिहाद को महफूज रखने के लिए जो तरीके अपनाए गए उनमें से चंद ये हैं: सीरत, मगाजी, हदीस, तारीख और इल्म रिजाल। सीरत में हर किस्म की रिवायतें नकल कर दी जाती हैं, सही और काबिल इनकार भी, जबकि हदीस की किताबों में ये इल्तज़ाम होता है कि वही हदीसें दर्ज हों जो मोतबर और मुस्तनद हैं। मगाजी चूँकि अरब में उलूम व फ़नून न थे, सिर्फ ख़ानदानी मार्के और लड़ाइयों के वाक़ात महफूज रखे जाते थे, इस तरह के इकदाम मगाजी कहलाते हैं। इल्म रिजाल में उन लोगों के कवायफ और अहवाल से बहस होती है जिनकी ज़बानी हदीसें यके बाद दीगरें मुंतकिल होती हैं। हदीस और तारीख में फ़र्क यह है कि हदीस के मौजूआत दीन और मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि तारीख के मौजूआत आम होते हैं। चलिए मैं सभी छोड़ रहा हूँ, शायद कुछ इशारे होने लगे हैं। मैं इस सिलसिले में मौलाना की मौलाना अली नक़वी साहब की तारीख़ इस्लाम, यूँ तो उनकी बहुत सी तसानीफ़ हैं, मगर तारीख़ इस्लाम के हवाले से उनकी 3 किताबों का तज़किरा किया जा सकता है।
शहीद इंसानियत रहनुमाय इस्लाम और तारीख इस्लाम अव्वलुज़्ज़िक्र दो किताबों को सीरत के खाने में रखना मेरे नज़दीक ज़्यादा मुनासिब है। तारीख इस्लाम 530 सफ़ात पर मुश्तमल है जिसमें चार हिस्से हैं। किताब की इब्तिदा आगाज़ आफरीन इस तरह से की गई है, वो भी मैं छोड़ रहा हूँ। मैं सिर्फ एक बात के सिलसिले में एक बतौर सबूत के कहना चाह रहा हूँ कि बेसत मुस्तफ़ी के ताल्लुक़ से तहरीर फरमाते हैं, इस तरह के तसव्वुरात बिल्कुल ही गलत है कि अल्लाह की तरफ का पैगंबर खुद अपनी हकीकत से वाकिफ ना हो या वो पैगाम रब्बानी या सदाए आसमानी से वहशत और दहशत महसूस करे या इसे वही इलाही की शनाख्त में दूसरे आदमियों से पूछने और उनसे इत्मीनान हासिल करने की ज़रूरत हो। इस किस्म की बातें जो मुसलमानों की तारीख में नज़र आईं वो यकीनन कुछ ऐसे मुखालिफीन इस्लाम की कारस्तानियाँ हैं जो मुसलमानों के लिबास में होकर मुसलमानों के साथ घुल मिल गए और दुनियावी इख्तदार के तलबगारों ने असल इल्मी मरकज़ों से निगाह हटाने के लिए उन लोगों को इल्मी अहमियत दे दी जैसे अब्दुल्ला इब्ने सलाम, काबुल अहबार, ऐसे नौ मुस्लिम यहूदी। उन्होंने शान रसालत के घटाने के लिए इस किस्म की हिकायतें वज़ा कर दी और इन्हें सल्तनत के ज़ेर साया पढ़ने वाले चढ़ने वाले मौरखीन ने हाथों हाथ ले लिया और उनसे अपनी तारीफ़ों के सफ़ात सियाह कर दिए। तारीख इस्लाम सफ़ा 55। ज़ाहिर है कि मैंने इस तरह के और भी बहुत से हैं वो दिए हैं, मैं सिर्फ आखिर में कुछ बातों की तरफ इशारा करना चाह रहा हूँ। बहरहाल इस तारीख इस्लाम का मुतालिया करने के बाद कुछ बातें जहन में आई हैं, उनकी तरफ इशारा कर देना ज़रूरी समझता हूँ। नंबर एक, तारीख इस्लाम का खात्मा आ हज़रत की वफ़ात पर हो जाता है। गालिबन इसकी वजह यह होगी कि वक्त ने उनको इससे आगे बढ़ने का मौका न दिया या इसलिए कि बाद की तारीख इस्लाम की नहीं बल्कि मुसलमानों की है। किताब में कुछ अरबी इबारतें और कुरानी आयतें दर्ज हैं मगर बाज़ मकामात पर इन इबारतों का लफ्जी तर्जुमा नहीं है। मुलाहिज़ा सफ़ा 30 पर यह इबारत फ़मिन अदनान तफ़रक़तिल क़बाइल मिन वुल्दे इस्माइल, सफ़ा 39 पर जनाब अब्दुल मुत्तलिब के दुआई अशआर हैं, उनके मतलब का खुलासा है, अगर तर्जुमा भी होता तो इफादत में इजाफा होता। सफ़ा 22 पर आयत वही यरफो इब्राहिम अल-क़वायदा है मगर तर्जुमा नहीं है। सफ़ा 23 पर आया इन्नी असकंतु मिन ज़ुर्रियती है मगर तर्जुमा नहीं है। सफ़ा 25 पे आया अम कुंतुम शुहदा का भी तर्जुमा नहीं है। 27, 35 और 36 पे भी अरबी इबारों का इबारतों का तर्जुमा नहीं है। 36वें सफ़े पे हुज़ैफ़ा बिन गालिम का शेर है मगर तर्जुमा नहीं है। मिस्टर के ए हमीद बी ए लंदन बैरिस्टर लाहौर की किताब मुसलमान आलम का तज़किरा मुतअद्दिद मकामात पर किया गया है मगर मेरे नज़दीक सैयदुल उलमा जैसी अजीम हस्ती अगर इनसे कोई ताज़ ना करती तो ज़्यादा मुनासिब था। ये कोई मारूफ मौरिख नहीं है। इख्तसार के साथ कहा जा सकता है कि ये तारीख इस्लाम वाक़यात हालात या दास्तानों की तालीफ व तरतीब या तर्जुमानी नहीं है बल्कि तारीख इस्लाम की तनकीह तहजीब और तथहीर है। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल ये कि सवाल जवाब अगर आप चाहें तो कर लें, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि खाना लोगों की एक पहचान ये भी बताई जाती है कि वो भूखे शेर और उसके खाने के बीच में कभी हाल नहीं होता, इसलिए खाना तैयार है और आप तशरीफ़ ले। फूड फॉर थॉट बहुत हो गया, थॉट फॉर फूड बहुत हो गया।